बाप रे बाप, सड़क देख रहे हो ना आप? मेरी तो अब मतलब मुझे डर लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे हमको रोड ही नहीं है, मैं तरन को यहाँ तक लाऊं ना गाड़ी। ये यहाँ पे रोड बिल्कुल नहीं है, टूटी हुई है रोड, और इस साइड तो तरह ने एकदम बहुत ही उस साइड से निकाली है गाड़ी। ये देखिए यहाँ बिल्कुल रोड नहीं है, टूटी हुई है पूरी रोड। सो गाइज, मुंशियारी 18 किलोमीटर बचा और समय हो गया है 4:30। रास्ता बहुत ही है डेंजरस है, जो कि सही बात है। हम लोग अभी गलत रास्ते पे चले गए, किसी ने बताया नहीं, कोई बोर्ड नहीं लगा और वहाँ पे डेड एंड था। वीडियो तो नहीं बनी लेकिन टाइम लैप्स में जरूर आया होगा। वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ से रोड टूटी हुई है। तो गाइस यहाँ पे हमको रोड ही नहीं है, मैं तरन को यहाँ तक लाऊं ना गाड़ी। उनको अच्छा एक काम करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हमको एक और डेड एंड मिलता हुआ और रास्ता बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सो वाइल ड्राइविंग वी शुड बी वेरी कॉशियस, हमें रास्ता भटकना नहीं है बिल्कुल भी और बहुत केयरफुली ड्राइव करना है। सो मैं यहाँ आ गई हूँ रिकॉर्ड करने और तरन आ रहे हैं वहाँ से। ये कुछ रास्ता ऐसा सा है, मेरे पीछे एक बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है, बहुत छोटा सा है, मैं आपको दिखाती हूँ। बस तरन क्रॉस हो गए फिर। सो गाइस ये है वो छोटा सा वाटरफॉल, बहुत ही प्यारी आवाज लगती है मुझे पानी जब फ्लो होता है तब। क्या कहती है? हाँ, जब कोई ऐसी अच्छी हैवी उससे ऑफ रोड बहुत स्विफ्ट। हाँ, ऑफ रोडिंग करके स्विफ्ट सही है, बढ़िया है। स्विफ्ट के बारे में ऐसा ना बोलो यार। मतलब खैर, आपका एक्सपीरियंस कैसा था अभी जो हुआ? थोड़ा टेरिफाइंग था, डर लगा था, टेरिफाइंग था, बट ठीक है। यहाँ से रोड बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गई है, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से बोला था कि यहाँ जाना है, अब तो अभी तो अपन सीधे सीधे चलते जा रहे हैं, तो बस यही सीधे ही सीधे जाना है। और यहाँ पे तो आगे बोर्ड भी लगा था मुंशियारी का। उनका जी, अगर कल रात यहाँ पर चल पहनते, बहुत अच्छा डिसीजन था कि स्टे कर गए, क्योंकि ये 120 किलोमीटर कहने के लिए 120 किलोमीटर है। अभी तक की हमारी जितनी भी जर्नी रही है वो बहुत ही बढ़िया रही है। रोड के मामले में जर्नी तो बहुत ही बढ़िया रही है, जर्नी का तो कुछ रोड के मामले में। और यहाँ पे तो मतलब बाप रे बाप, सड़क देख रहे हो ना आप? मेरी तो अब मतलब मुझे डर लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मतलब एक तो यहाँ पे कोई बताने वाला भी तो नहीं है कि सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। वैसे हमें थोड़ा सा रास्ता सही दिखता हुआ, इसीलिए कहते हैं पहाड़ों पे पहुँचना, ऊपर पहुँचना आसान नहीं है।
अरे हम तो मतलब कहीं गलत फंस गए, मतलब धन्यवाद। यहाँ नीचे से आए ऊपर और मुंशियारी अब सिर्फ 9 किलोमीटर बचा है। बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ से, वो वाला पहाड़ देखते हैं ऊपर टॉप पे। सो गाइस वो है नीचे, दैट इज द फ्लोइंग वाटर और उसकी आवाज यहाँ तक आ रही है। दिस इज अमेजिंग दरन। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, सत श्री अकाल की हालचाल। हम लोग पहुंच गए हैं मुंशियारी से 9 किलोमीटर रिमेनिंग है और इतनी फ्रेश एयर फील क्यों तरन, बहुत फ्रेश एयर फील हो रही है। बहुत ज्यादा आपको हम इधर से अगर व्यू दिखाएं ऐसा लग रहा है कि एकदम रियल में वी कैन ब्रीथ। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं मुंशियारी, आप पीछे देख सकते हो क्या होगा आपको, मेरी नजरें नहीं हट रही है व्यू से, मतलब बहुत मेस्मराइजिंग व्यू है। जन्नत है, लद्दाख अपने आप में था लेकिन मुंशियारी रास्ता ज्यादा डिफिकल्ट है। मतलब जो लिटरली नाम दिया गया मिनी कश्मीर, वो यहाँ हाइट पे आके फील कर पा रहे हैं हम लोग कि हाँ दिस इज इन रियल मिनी कश्मीर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जगह है ये गाइस। हमें बहुत सारे लंगूर बंदर मिलते हुए बहुत डर के भाग गए। बंदर डरपोक होते हैं इधर के। सो ये गाइस हम लोग मुंशियारी एंटर होते हुए 1 किलोमीटर रिमेनिंग। ट्विंकल फिर से वही होटल सर्च कर रही है इन लोगों को रहना कहाँ पे है। तो ये गाइस हम लोग मुंशियारी टैक्सी स्टैंड पहुँचते हुए यहाँ से राइट जाने को कह रहे हैं, ये सिटी जा रही होगा सस्ता। इनसे पूछो क्यों वे होटल बिल्जू इन, सीधा जाइए। थैंक यू। उससे अच्छा भी कोई होटल है यहाँ पे? बाला अच्छा, बाला से अच्छा मिला मैंने। सर दिख रहे हो आप? ठीक है। मिला मैन कहाँ पे है? कितनी दूर? यहाँ से 2 किलोमीटर। कितनी देर लगेगी पहुँचने? मार्केट खत्म हो जाएगा उसके बाद लगेगा। थैंक यू। ओके ओके। हम लोग होटल मिला मैन की तरफ बढ़ते हुए। सो गाइस बहुत ही बढ़िया एक वाटर क्रॉसिंग आती हुई। होटल कौन सा जा रहे हैं हम लोग? मिला मैन के पास। वाओ ब्यूटीफुल। होटल पहुंचने वाले गाइस फाइनल कर लिया है। ट्विंकल ने मिला मेन। ट्विंकल जा रही है रूम देखने। A few minutes later. So guys, अब हम लोग पहुंचते हुए होटल बिल्जू इन। यहाँ का भी रूम देख के आते हैं। अच्छा यही पे है कि और ऊपर? चलिए। सो ये गाइस हम लोग टॉप फ्लोर पे जाते हुए। सब कुछ बुढ़े ने यहाँ पे। गाइस हम लोग सेटल होते हुए व्लॉगिंग चालू रहेगी। सो गाइस लड़की की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बहुत अच्छी जगह आ गए हम लोग, बहुत पीसफुल है माहौल यहाँ का। और अभी अभी हम लोगों ने ऑर्डर किए चाय और लास्ट वाला भी पकौड़े। मतलब पिथौरागढ़ में भी जो मैंने ही होटल सिलेक्ट किया था सुमेरु रिजॉर्ट्स, वहीं रुके थे, वही वहाँ पे सबसे बेस्ट था। और मुझे तो लगता है कि मुंशियारी का ये सबसे बेस्ट, ये सबसे बेहतर। एक्चुअल में होटल ये इतना अच्छा नहीं है पर इसके जो टॉप फ्लोर पे जो 4 रूम्स हैं, जो वुडन रूम्स इन्होंने बनाए हैं। अगर आप बाकी के होटल्स देखोगे तो उसके कंपैरेटिवली ये भी ज्यादा अच्छे रूम्स हैं। गाइस इस वक्त शायद ऑफ सीजन है तो हम लोगों को ये रूम मिल गया है। कितना बजे? 1500 का था पर 1500 का हमें मिला है विद ब्रेकफास्ट। 1500 इंक्लूडेड। और हम लोगों ने 2 दिन का सोचा है कि हम 2 दिन यहाँ स्टे करेंगे। कल अगर खलिया टॉप गए तब तो बहुत ही बढ़िया, ना तो परसों तो खलिया टॉप जाएंगे और परसों ही खलिया टॉप से वापस हम लोग नीचे की तरफ उतर जाएंगे। पहले देखते हैं कि आप क्या डिसाइड करते हैं। मुझे ड्रैगिंग नहीं करनी, मेरा मन तो देखते हैं यहाँ पे और घूमने के लिए क्या जगह है। कि आए तो थोड़ा तो एक्सप्लोर करेंगे। सुबह से ड्राइव कर रहा तो मैं सेटल हो गया कि थोड़ी देर पीठ सीधी कर ली जाए। अब हम लोग लगेंगे एडिटिंग पे, फिर आज का व्लॉग पहुंचेगा आपके पास। देखिए घड़ी कह रही है 6:47 हो गए हैं। तो अब एडिटिंग पे लगेंगे चाय पीने के बाद और आपसे मिलेंगे अब डिनर टाइम पे। बाय। 2 वाटर बॉटल ले आइएगा।
सो गाइज, ये भैया हमारे लिए, अपना नाम बताइए पहले तो। कविराज। ये हमारे लिए चाय और पकौड़े लाए हैं, गर्मा गर्म एकदम। थैंक यू भैया। ओके वेलकम। सो गाइज, ये ट्विंकल मोड में आ गई हैं एकदम। अब ये बताइए कि बाहर बैठ के खाना है कि अंदर बैठ के? अंदर बैठ